नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र अर्थात सामान्य हिंदी में पूछी जाने वाले लेटर राइटिंग से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आई हूं। और आज के इस क्लास में आप सभी को प्रतिवेदन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी को उपलब्ध कराया जाना है। साथियों, आपकी परीक्षा में प्रतिवेदन से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है और एक प्रारूप लिखने को अर्थात बनाने को भी दिया जाता है। तो साथियों, यदि प्रतिवेदन से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो उसका क्या प्रारूप हो उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, सबसे पहले प्रतिवेदन आप लिखते हैं हेडिंग में और उसको अंडरलाइन करते हैं। उसके बाद जो भी रिपोर्ट वगैरह होता है उसका आप प्रतिवेदन लिखते हैं। प्रतिवेदन होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपको मिशन में संलग्न किया जाता है, किसी भी सर्वे में लगाया जाता है, ठीक है, उसका संक्षिप्त जो आप विवरण देते हैं, उसका जो सार होता है उसी को प्रतिवेदन कहा जाता है। और प्रतिवेदन के नीचे सिग्नेचर और डेट भी मेंशन किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे द्वारा कुछ उदाहरण दिया गया है कि किस प्रकार से प्रतिवेदन आप लिख सकते हैं। तो मैटर कुछ भी हो सकता है, तो इस प्रारूप में आपको लिखना है। सबसे पहले ऊपर प्रतिवेदन अंडरलाइन करेंगे, फिर जिस विषय से संबंधित प्रतिवेदन पूछा गया है तो आप उस विषय को 2 से 3 पैराग्राफ में लिखेंगे। उसके बाद नीचे नाम और दिनांक लिखेंगे, चूँकि परीक्षा में नाम नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो नाम की जगह पर क ख ग अब श आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और साथियों, ये भी अवगत कराना है कि यदि किसी भी विषय पर प्रतिवेदन लिखे जाने को नहीं दिया जाता है, बस ये कहा जाता है कि आप एक प्रतिवेदन को लिखे या बनाए, तो इस क्रम में आप इस प्रतिवेदन को उतार सकते हैं या कोई भी संक्षिप्त विषय को जो सबसे आपको ईजी लगे उसको आप अवश्य उतार सकते हैं। तो साथियों, इसी ऐसा संदेश के साथ कि आप सभी अवश्य अपने लक्ष्य में सफल होंगे, मैं सीमा गुप्ता आप सभी के बीच लेटर राइटिंग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्लासेज हैं वो अवश्य लाऊंगी। और इस पाठ के क्रम में आप सभी को लेटर से संबंधित प्रारूप पर चर्चा की गई है, लेकिन जो नेक्स्ट क्लासेज होगा प्रतिवेदन से संबंधित, उसमें प्रतिवेदन के जो अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसके बारे में अवश्य बताया जाएगा। यह भी अवगत कराना है कि आप सभी को इस परीक्षा से संबंधित कोई भी समस्याएँ आती हैं तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं से अवगत कराएँ। मेरा पूरा मुहिम होगा कि उन समस्त समस्याओं के निदान के क्रम में महत्वपूर्ण गाइडेंस क्लासेस लाए जाएंगे। और साथियों, कहा जाता है कि जब समस्याओं का क्रमशः निदान होता है तो कब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है स्वयं को भी पता नहीं होता है। तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में अपने समस्याओं से अवगत कराएंगे और उसके क्रम में मैं अवश्य ही पूरा प्रयास करूँगी आप सभी के बीच महत्वपूर्ण क्लासेस लाने को। ऑल द बेस्ट।